अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने मेजबान सईद फिरदौस अहमद की ओर से खलूस भरा स्वागत है। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब के अलावा हमारी वेबसाइट पर भी सुन और देख सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की पड़ताल दो मलंग और चमत्कारी बाबाओं की होगी। जी हाँ, जिन्होंने रियाजत व इबादत के बल पर लोगों को ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिसे वो उर्फी आम में नांगाबाजी और शेरबाजी कहलवाने लगे। और तो और, इन मलंगों ने अनगिनत लोगों को मुशर्रफ बेइस्लाम किया। जी जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने। इस सब का विस्तार से विश्लेषण आया चाहता है, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करने में जल्द कीजिएगा। यस, फ्रॉम द विलगाम टाउन सम 27 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन और इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ चोकीबा, सम 7 किलोमीटर्स अवे in the lap of lush green forests and meadows on an enchanting point beneath the lofty grasses of bangos lies a well decorated and glossy shrine at a winsome juncture known as TP. This shrine has a focal point view located under a charming hillock in the lofty green grasses surrounded by deodar trees, whereas in its opposite direction lies a stream and the main road leading towards Bangas Valley. Dosto, darasal vasti dor mein yahan pe sayyidon, awliyaon aur rishiyon ne apna dera dala, जिन्होंने लोगों को हक की जानिब बुलाया, इसीलिए इसे कश्मीरी में पिरवर कहा जाता है। इसी कारणवश कश्मीर में आप इन्हीं अवलियाओं और संतों के मजार जा बजा देखते हैं। परंतु टीपी का यह तीर्थ स्थान एक अलग ही मकाम रखता है। जी हां, टीपी का यह आस्थाना आलिया सईद इब्राहिम शाह साहब और तो और सईद इस्माइल शाह साहब का है, और इस तीर्थ स्थान की दागबेल सईद रहीम शाह साहब ने 1940 ईस्वी में डाली। ये दोनों बुजुर्ग अल्लाह की रियाजत के तुफैल खाली की कायनात के इतने करीब थे कि अल्लाह जल शानहू ने इन दोनों को करामात से नवाजा था। जी हां, सईद इब्राहिम शाह साहब दश्त में सर्ब सजूद होते तो शेर इनकी पहरादारी करता। सईद साहब कहीं जाते तो शेर गुलाम बनकर इनकी सवारी बांह पहुंचाते। साथ ही साथ सईद इस्माइल शाह साहब के चमत्कारी के गुण जब आप सुनेंगे तो जनाब हवास बागता हो जाएंगे। जी हां, इस बादशाह मस्त मलंग को नांगाबाजी साहब के अनमोल नाम से भी लोग आज भी पुकारते हैं। कहते हैं ना, जीस्त तो जाती फना तुझ जैसे नाचीज की फिरदौस, जीस्त तो जाती फना तुझ जैसे नाचीज की फिरदौस, वो जीव क्या फना हो जिसमें हो लोलाकी का जाम भरा। दोस्तों, ठीक सुना आपने, ये चमत्कारी बाबा अपने दौर का मस्त मलंग था। इतिहासकारों के अनुसार बाबा हर किसी मनुष्य के दिल के राज का पोल लोगों के सामने खोल देते। कोई कुछ कांड या अफराद करता तो हर कोई बाबा की मंडली में जवाब ढूंढता। इतिहासकारों के अनुसार कुछ शरपसंद लोगों को बाबा की चमत्कारी रासना आई तो बाबा को मारने की पॉलिसी बनी।
बाबा का दिल इंतहाई रकीक था। एक बार ओबाश गुंडों ने इनका पीछा किया तो बाबा भागते भागते इसी कब्रिस्तान में खुद ब खुद जिंदा दफन हो गए और अल्लाह के प्यारे हो गए। इसी तरह चंद एक आर्मी के ब्रिगेडियर्स को फौजियों के द्वारा यह शिकायत पहुंची कि इस तीर्थ स्थल के पास अनजानी शक्तियों का इदराक होता है जिससे उनके चलने में अड़चनियां पैदा होती हैं और वो भय महसूस करते हैं। तो सेना के ऑफिसर्स तुरंत इस तीर्थ स्थल को सजाने सुवारने में जुट गए और इस तीर्थ स्थान को हर एक के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का केंद्र बनाया। जब से बाबा के डरावने ख्वाब किसी को उकताने ना लगे। हाउ डू यू फील आफ्टर विजुअलाइजिंग दिस वीडियो? डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह निगेबान। खुदा हाफिजुन नासिर।